गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है शहजाद फैमिली व्लॉग में। तो गाइस कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। तो हो गई मेरी मॉर्निंग जस्ट हुई है और आज है संडे। तो आज नाश्ते में मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाया, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मम्मी ने क्या बनाया। एक्चुअली उसकी रेसिपी नहीं दे पाए हम लोग, मैं भी सो रही थी, मैं भी जस्ट उठी, अब्बा भी सो रहे थे, वरना मम्मी बोले थे इसकी रेसिपी देना है। तो मैं दिखाती हूँ, अगर आप लोग को रेसिपी चाहिएगा तो कमेंट करना, फिर हमने इंशाल्लाह जल्दी उसकी रेसिपी बनाया है। सुसला जो उस दिन मैंने लेकर आई थी, अच्छा बना है। स्वान स्वान बता दीदी क्या बना है रे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। चलो संडे की तो सुबह हो गई है, तो मैंने बनाई थी आज सुसला, जो कुरमुरे का बनता है वो बनाई। माशाल्लाह इतना मस्त बना था, इसके अपा बोले बहुत अच्छा बना था, तुझे इसकी रेसिपी देना चाहिए था। लेकिन कौन उठ के शूट करता, ये भी सोई ली थी, वो भी सोई लेते हैं, हम लोग सब सोए थे। मैं जल्दी उठ गई, मैंने बना डाली, मेरी चाय बनाई, वो बनाई, सब बनाया, सब लोग मिलके खाए मजे से। कोई ना, ये हफ्ते में दे देगा, अगर कमेंट करेगी आप लोग बोलोगे तो इसकी रेसिपी आप लोग को मिल जाएगी, यही हफ्ते में मिल जाएगी, कोई टेंशन। बहुत अच्छा बनता है, बहुत मस्त मजा आया खाते में। तो मुझे तो भूख जल्दी लगने वाली नहीं, क्योंकि मैंने 12 बजे नाश्ता किया। ये देखिएगा इस कितना बज रहा है, 12 बजने में 5 मिनट बाकी और मैं यहाँ नाश्ता हो रहा है। अभी अभी उठे हैं, लेकिन मैं तो जल्दी उठ गई थी। सबका अभी तो नाश्ता हुआ है, फुर्सत है सबको खाना खाने की फुर्सत। तो चलो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, और पूरा यहाँ पे अभी काम भी बाकी है किचन विचन पे बेबी, तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नाश्ता के। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हो गया दोपहर का, और मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं शूट की, वही जो स्टार्ट करी उसके बाद मैं सीधा भी शाम में 7:30 बजे स्टार्ट मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं दवा खाना, जुगली जा रहे। और जैसे आप लोगों को पता है मेरा कपड़ा मैंने देख के आई थी, तो मैंने कपड़ा मुझे कल ही बुलाए थे बट मैं गई नहीं, तो मैं अभी जा रही हूँ और अम्मी भी मेरे साथ जा रहे दवा खाना, क्योंकि अम्मी का हाथ जो सुबह में जैसे कल बताए थे अम्मी का हाथ सूज गया है, तो वो बहुत दर्द हो रहा है। और ये हमारे महाशय देखो लेटे, इनके भी कान में दर्द हो रहा है, लेकिन इनको बोल रहे दवा खाना चल रहे तो ये जा नहीं रहा है। तो खैर चलो अभी हम लोग निकल रहे, अम्मी का पूरा ये वाला हाथ है ना पूरा सूज गया है, मुंगी हो जा रही बार बार हाथ की ना, ये तो मुंगी है। हाँ तो मुझे बस दिखा के आ जाती हूँ, तो मैं भी चलो ऐसे भी सेका भी देती पर आराम पड़ गया था, लेकिन वहाँ पर दर्द है, मैं बस दिखा के आ जाती हूँ। तो मेरी चलो ऐसे भी ड्रेस लेने का ही है मेरे को मेरा, तो मेरी चलो अम्मी तुम भी चलो, तुम दिखा भी देना डॉक्टर को और मैं अपना ड्रेस भी ले लूँगी। तो चलिए मिलते हैं। लोग बैठ गए रिक्शा में, और मैं ये बता रही थी आप लोग को कि हम लोग को मतलब पैसा निकालने में बहुत मसला हो गया, 15 मिनट हो गया ना हम लोग ATM में फंस गए। मुझे तो लगा आज तो हम लोग का पैसा गया, निकलेगा ही नहीं, बट अल्लाह का शुक्र है पैसे निकल गए हमारे। मेरे को तो रोना आया था, मैं बोली फिर मेरे कपड़े नहीं छुड़ा पाऊँगी मैं। तो खैर चलो कोई ना, लेट हो ही गया है, बट अभी जा रहे हम लोग दवा खाना, रिक्शा मिल ही गई तुरंत। चलिए हमारे फैमिली डॉक्टर ही बोल दीजिए इनके पास। मेरा भी हाथ है ना, कल तक मेरे को तो 1-2 महीने से दर्द है मेरे हाथ के अंदर, लेकिन 4 दिन से मैं तो मेरा हाथ ही बहुत दुख रहा, मुंगी भर जा रही है, बहुत दर्द हो रहा, कल पूरा सूज गया था, उठ ही नहीं रहा है हाथ। ये इस पार्ट में दुख रहा है कि जॉइंट में दुख रहा है, लेकिन कुछ लगा था वगैरह दूसरा बार वगैरह तो थोड़ा सा कड़क भी है वहाँ पे। हाँ बस ये वो दुख रहा था, सोती हूँ ना मैं तो ये हाथ से बिल्कुल सोने नहीं हो रहा मेरे को। गर्म पानी का सेकर वगैरह किया था, तो इतना गर्म पानी का सेकर ही खाई भी है ना, कितने दिन से है एग्जैक्टली, ये कम से कम हो गया मेरे को 2-3 महीने के ऊपर हो गया, लेकिन इतना नहीं दुख रहा। अब ज्यादा हुआ तो आए, ज्यादा हो गया मेरे को, मैं सोची कि शायद सोने में हो गया है ऐसा हाथ में। टिपिकल लेडीज लोग जल्दी से दवाई टाइगर बाम, टाइगर बाम सबसे ये सुकून अच्छा, हाँ तो ले लो उससे हल्का मसाज करो दिन में 2 बार, उसके ऊपर गर्म पानी का स्प्रे करो, दवाई देता हूँ वो खाओ,
और हमारे जुगल्ली के सब्सक्राइबर जो है आपको जानते ही है, सब बोलते हैं वो डॉक्टर है ना, मुख्तार डॉक्टर हम लोग बोलते हैं। तो हम इन्हीं के पास आते हैं, हमारे जो भी जुगल्ली से व्लॉग्स देखते हैं तो हम इन्हीं के पास आते हैं, हमारा यही है बहुत टाइम से, मेरा तो यही पूरा आधा समझ लो इलाज होता है। कल अम्मी का सुकून तेल लेने के लिए, देखते हैं कितने का आता है, छोटी बॉटल ही चाहिए ना, तो वहाँ पे भी अंकल निकाल रहे हैं। लाइटर, हम लोग का लाइटर भी ख़राब हो गया था, ऐसे ही था ना पहले भी, सही मतलब ऐसा ख़राब तो नहीं होगा 2 महीने में 3 महीने में। ये वाला भी अच्छा दिख रहा है, पानी मत जाने देना, पानी तो नहीं जाएगा। ये भी अच्छा दिख रहा है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, यही दे दो। नहीं तो क्या, जब तक खराब होने तक रहेगा, मेरे अम्मी बोल रहे लाइटर खराब होगा तो ये अंकल के पास वापस आएंगे, ऐसा नहीं है अम्मी। ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसा था अपने पास पहले रेड, ऐसा वाला ना रेड में था, और ये 20 वाला, हाँ तो यही ले लो ना, और ये भी 20 का ही है, तो ये वाला ले लो, ये अच्छा लग रहा है। अम्मी कड़े चिकन लेने के लिए, और चिकन का प्राइस सुन के अम्मी शॉक हो गए, ले पसीना बहुत ज़्यादा, गर्दी भी इधर पे बहुत भीड़ है गाइस, हालत ख़राब हो जाती है जुगल्ली में बस। और खड़े हो गए लहसुन लेने के लिए, कैसा पाव दिए, 20 का, 40 का, 50 का पाव, 50 का पाव। तो हम लोग आ गए घर पे, सब मार्केटिंग कर लिए, और ये रहा मेरा कपड़ा, इसमें मेरा कपड़ा है, मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोग को बट तो मैंने कपड़ा भी लेकर आ गई, और इतना सारा सब सामान लेकर आया देखो मम्मी ने, ये सब लहसुन, सुकून तेल, लाइटर, कान साफ करने वाला, और ये हमारे लिए केला और चिकन, ये सब लेकर आए। और आप लोग सुकून तेल बोला है डॉक्टर ने, मतलब लगाने के लिए, तो ये भी ले ली मैंने, 80 रुपीज़ का मिला। और मैंने मेरा नाक में आप लोग देख सकते हो, मैंने परसों ही नाक का लाई थी, वापस से नाक का मेरा गिर गया सोने में, मैंने फिर 2 नाक का लेके वो मेरे मतलब फ़ोन के कवर के पीछे मैंने रखी हो, मतलब उसमें ना पेच नहीं, स्क्रू नहीं रहता है ना, वो गाइस गिर जाता है। और आज तो बहुत गंदा, यानी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना गंदा हादसा हुआ है। हम लोग जैसी जुगल्ली के अंदर एंटर हुए, मतलब हम लोग रिक्शा में थे, जा रहे थे हम लोग, तो जैसे ही रिक्शा रुकी, सामने से का वो बाइक था ना, बाइक वाला इतनी स्पीड में बाइक लाया, और यहाँ से हमारी रिक्शा ऐसे, यहाँ से रिक्शा जा रही है और यहाँ से बाइक आ रही है, क्या टक्कर हुई है दोनों की, बाप रे, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कुछ हुआ नहीं रहा। मम्मी हम लोग के हाथ पर एकदम थक थक दाबने लग गए, पता नहीं अल्लाह ने कोशिश नहीं की, बल्कि ना हम लोग के आगे आ गई थी, तो इतना बाइक जोर से लेकर आया ना, रिक्शे को ठक ठोक दिया उसने, और हम लोग पूरा ऐसा हो गए, हम लोग ही ना पूरे ऐसे सडन हो गए। अच्छा है कि मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं ठंडी गार एकदम, मम्मी मेरे को पकड़ लिए, मैं से ना बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, मेरे को घबराहट बहुत जल्दी होते, बस मेरे को तो वही घूम रहा है, इतना उसने कैसे पीछे से आया ना, सीधा वो गाड़ी पे उसकी लगा, वो हम लोग पूरा ऐसा हो गए, अल्लाह का करम है कुछ भी नहीं हुआ, इतना सा भी कुछ नहीं, बस अल्लाह बोलते ना, अल्लाह पाक ने बचा ली हम लोगों को, वरना मैं तो सोची आज तो क्या ही था हमारा, बट बच गए बोलते ना, अल्लाह किसी का बुरा हम करते नहीं तो अल्लाह हमारा, हाँ यस, बुरा मत करो तो बुरा भी कभी नहीं होगा, ये तो फैक्ट है, अल्लाह हमेशा अपने साथ ही है, रहते ही है। और तो बस यही, बहुत ज़्यादा गंदा हादसा था, मेरे को तो अभी तक हम लोग पूरा रास्ता हुआ ना, सोचते सोचते आए तो क्या होता था, मैं बोली बाप रे, मतलब ज़्यादा ऊँच नीच जैसे कुछ हो जाता तो कैसे होता था ना, वो सोच रहे थे हम लोग, क्योंकि ऐसे कभी हुआ नहीं है लाइफ में, पहली बार था ये, मतलब क्योंकि ऐसे नॉर्मल देखो तो बाइक से एक्सीडेंट्स होते हैं, हर चीज़ों से होते हैं, बट हमारा कभी ऐसे हुआ नहीं है कुछ ऐसा, बट ये फर्स्ट था ना कि एकदम सडन, तो हम लोग तो बहुत डर गए थे मैं और मम्मी। वो तो इतना जोर से लगा रहा, और हालांकि उसकी वाइफ थी कि गम थी, वो भी बाइक पे बैठ के आ रही, हाँ। थी, लेकिन कभी भी कोई भी बाइक चलाओ, कोई भी रहो ना, स्पीड में मत चलाओ, आराम चलाओ, कभी भी कोई भी हादसा कभी बोल के नहीं होता है, कभी भी अचानक से हो जाता है, इसीलिए हमेशा संभाल के चलाने का। लेकिन ये बाइक वाले लोग ना हवा में उड़ाते हैं, इसलिए तो बोलते हैं ना, मौत भी वैसी ही मरते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं चलाने का, कभी भी नहीं चलाने का, कभी भी क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है बाबा। मैं तो आज इतना डर गई ना, बापरे। और हम लोग की रिक्शा से टर्न हो रही थी, मतलब जुनेद नगर से जो सीधा अपन आते हैं वहाँ आ रहे थे, और वो सिग्नल के पास से आया सीधे से। बट खैर कोई ना, तो अल्लाह का शुक्र है बस, और कुछ नहीं। कल सबसे पहला हम लोग अपना सदका उतारेंगे, जो भी है सदका निकाल के फ़कीर को दे देंगे। बहुत बहुत गाइस, बहुत हम लोग तो एकदम वो ही हो गए थे, क्या ही बोलने का, वो सिचुएशन ही क्या थी। मतलब मैं सोची आप लोगों को सुकून से मैं घर आके बताऊँगी, तो बस अभी देखो हम लोग घर आ गए। अभी मम्मी जा रहे खाना बनाने की तैयारी करने, क्योंकि बज गए 9:15। तो फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। बाय। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का खाना हो गया, खाना खा के जस्ट बिस्तर लगा के बस जा रहे सोने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग बताए, अम्मी ने लाए थे चिकन, तो अम्मी ने बनाए थे चिकन का सालन, चावल और भाजी रखी हुई थी, तो हम लोग ने वही खाए, है ना अम्मी? तो मुझे आप लोग को ही बताना था, आप लोग को मैंने कल जैसे व्लॉग में पूछी थी कि क्या गुड न्यूज़ है, वो मैं आप लोग को कल के व्लॉग में बताऊंगी। गेस करने बोली थी मैंने आप लोग को, तो आप सभी ने जितने कमेंट्स किए सब राइट है। तो फाइनली हम लोगों की 27 तारीख की टिकट हो गई, औरंगाबाद जाने की हमारी 27 तारीख की टिकट निकल गई है। 4:30 बजे की ट्रेन है ना, 4 बजे की ट्रेन है, हम लोग यहाँ से 2:30 बजे निकल जाएंगे। तो फैमिली मिलके हम लोग जाने वाले हैं। मैं हमारा मतलब सिर्फ अब्बा नहीं है गाइस, क्योंकि अब्बा का काम है, 3 महीने से अब्बा का काम एकदम बंद था, तो फिलहाल अभी अभी थोड़ा चालू हुआ है, तो अब्बा बोले मैं नहीं आऊँगा। अगर जैसे छुट्टी मिल गई या कुछ हो गया, तो अब्बा तो बोले कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आ जाऊँगा। फिलहाल तो मैं, अम्मी सुहान और मेरे बड़े अब्बा, वहाँ से शफीक भाई की फैमिली और छोटू भाई यानी यासिन शेख और अपना आमिर भाई, हम कम से कम 12 लोग हैं। 12-13 ना भाई, 12-13 लोग हम लोग कुछ है, तो बहुत मज़ा आने वाली है। और मेन चीज़ तो हम लोग अपनी पहली बार जा रहे हैं, पहली बार हम लोग औरंगाबाद जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो आप लोग हम लोग का वीडियो जरूर देखना, लाइक शेयर जरूर करना हम लोग का, क्योंकि आपा की एंजॉय करना देख के क्योंकि आपा की शादी हुई, हम लोग मतलब मौका ही नहीं मिला कभी जाने का, जा ही नहीं पाए। फिर बेबी भी हुआ, उसके बाद कभी स्कूल, कभी कॉलेज, कभी कुछ, या कभी मैं बीमार, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी कि मतलब हो रहा ही नहीं था जाना। बट फाइनली 27 की टिकट निकल गई, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन बाद हमारी थोड़ी बहुत जो भी है शॉपिंग भी इंशाल्लाह चालू होगी जल्दी से। तो बस यही थी न्यूज़। आप जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया ना, मैं कमेंट पढ़ के अम्मी को पढ़ के बताई, देखो अम्मी सब सही बोले। एक जन ने बोला है कि महात के पास जाने वाले हो, एक जन बोला है कि आप महात के बर्थडे का गिफ्ट लेने वाले हो, ऐसी कुछ। तो यस गाइस, आप सभी ने सही बोला है, जितने लोग ने भी कमेंट किया आप सब सही है। तो बस यही थी न्यूज़, और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बहुत मज़ा आने वाली है। सो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और बेल घंटी बटन दबाना मत भूलना। सो चलिए गाइस, करें व्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे को तो क्या अभी काम, मतलब मेरा हाथ में दर्द है, तो मैं जा रही हूँ तेल लगाने। हाँ, पानी गर्म हो गया मेरा से। ये रहा पानी, ये सेकने के लिए अम्मी गर्म करके रखे, बहुत गर्म है, ये सुहान सेक रहा था जब से। ले पकड़ तो अभी तेल लगाने, मालिश तेल गर्म करूँगी, पानी को सेकूंगी, दवाई तो खा ली, आप लोग दुआ करना मेरा हाथ का दर्द। और एक जन ने भी कमेंट किए थे कि मतलब पानी से सेको, तो हम लोगों ने कल पानी से सेके थे, आज भी अभी पानी से सेका ले ही रहे, और इंशाल्लाह दवाई दी है डॉक्टर ने, तो हो जाएगा ठीक, बस आप लोग दुआ कीजिए। सो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल। लेट मी अप विद अ ब्राइट स्माइल ऑन नाउ, मी इन द डार्क, सो वोंट गेट लॉस्ट नाउ, टू द मूनलाइट आई सी यू, आई रियल राइट नाउ।